अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, जो कि आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में इसे बना सकते हैं। इसे ना तो हमें घंटों भिगोना होता है और ना ही इसे पीसना होता है, बस कुछ ही मिनटों में आप इसे बना सकते हैं। तो ये जो मेंदू वड़े आप देख रहे हैं, इसे मैंने आलू और पोहे से बनाया है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। तो ये जो मेंदू वड़े आप देख रहे हैं, ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बने। तो मैं आपको इसे नज़दीक से तोड़कर दिखा रही हूँ। तो देखिए आप, ये बाहर से कितने क्रिस्पी है और अंदर से ये कितने सॉफ्ट हैं। तो ये जो आलू और पोहे के मेंदू वड़े हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं ये मज़ेदार नाश्ता मैंने कैसे बनाया है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप जरूर दें। तो आलू और पोहे के मेंदू वड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप पोहे लिए हैं और एक बड़े साइज के आलू को मैंने बॉइल कर लिया है। तो ये एक बड़े साइज का उबला हुआ आलू है और ये मैंने 1/2 कप ब्रेड क्रम्स लिए, इससे जो हमारे मेंदू वड़े हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। और एक बड़ी साइज की प्याज लेंगे हम बारीक कटी हुई और थोड़ा सा धनिया लेंगे हम बारीक कटा हुआ। 4 हरी मिर्च को मैंने बारीक इस तरह से काट लिया है। मेंदू वड़े को सॉफ्ट बनाने के लिए सोडा लेंगे हम 1/4 टीस्पून। सूखा धनिया लेंगे हम कुटा हुआ 1/2 टीस्पून। अजवाइन लिए मैंने 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे हम 1 टीस्पून। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह पर पाउडर भी ले सकते हैं। नमक लेंगे हम हसबे जरूरत। तो सबसे पहले हम एक बाउल में ये पोहा डाल देंगे और इसे हम पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। पोहे में जो कि गंदगी मौजूद होती है, तो इसीलिए हम इसे एक दफा पानी से धोकर छान लेंगे। तो देखिए मैंने पोहे को धोकर छान लिया है। तो इसे हम रख देंगे ऐसी साइड में ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो 10 मिनट इसे हम रख देंगे साइड में, तब तक हम आलू को मैश कर लेंगे। तो देखिए मैंने एक बर्तन में आलू ले लिए हैं, इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ बाकी नहीं रहनी चाहिए, इसे हमें बहुत ही अच्छे से मैश करना है, वरना ऐसा होगा कि जब हम मेंदू वड़े बनाएंगे तो ये जो मेंदू वड़े हैं वो बराबर नहीं बनेंगे और ये जब तेल में हम इसे तलेंगे तो ये खुल जाएंगे। तो इसीलिए हमें इसे अच्छे से मैश करना है। तो हम इसे उंगलियों से दबाते हुए इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो देखिए ये जो आलू है वो अब अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो हमने जो ये पोहे भिगा कर रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। पोहा ऐड करने के बाद हम इसमें ये नमक ऐड करेंगे, ये हरी मिर्च भी हम इसमें ऐड कर देंगे, अजवाइन ऐड करेंगे, कुटा हुआ साबित धनिया भी इसमें डाल देंगे और ये कुटी हुई लाल मिर्च, बेकिंग सोडा और ये ब्रेड क्रम्स और ये बारीक कटी हुई प्याज भी हम इसमें डाल देंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को भी हम हाथ से अच्छे से मैश करेंगे। तो देखिए इस तरह से इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मैश करना है। अगर ये बहुत ही ज़्यादा सूखा लग रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे नरम कर लेंगे, थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे हम इसे। तो बहुत ज़्यादा पानी हमें इसमें ऐड नहीं करना है, अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड कर दिया तो ये जो बैटर है वो पतला हो जाएगा और फिर आपके मेंदू वड़े जो है वो सही नहीं बने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है, हमने अच्छे से इसे मैश कर लिया है। तो अब हम इसका थोड़ा सा बैटर उठाएंगे और इसे हाथ में इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसको गोल शेप देंगे और फिर हम इसे इस तरह से प्रेस करेंगे उंगलियों से। तो इस तरह से गोल टिक्की हमें इसकी बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, सेंटर में उंगली से इसमें होल बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसमें होल बना लेना है। तो देखिए इस तरह से आपको इसके डोनट बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो अब ये पूरी तरह रेडी है, तो इसको हम रख देते हैं साइड में। तो इसी तरह से हम दूसरा मेंदू वड़ा भी बना लेंगे। तो देखिए ये दूसरा मेंदू वड़ा भी रेडी है, तो इसको भी हम रख देते हैं साइड में। तो इसी तरह से हम सारे मेंदू वड़े बनाकर रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने मेंदू वड़े मैंने बनाकर रख लिए हैं। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसे तलने के लिए हमें जो ऑयल चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होना चाहिए, हमें इसे ठंडे तेल में नहीं तलना है। अगर आप इसे ठंडे तेल में या फिर कम गर्म ऑयल में तलेंगे तो फिर ये जो डोनट है वो तेल में जाकर खुल सकते हैं। तो इसीलिए आपको पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर इसमें ये डोनट फ्राई करने। तो इसीलिए मैंने ऑयल को पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। अब ये जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, तो एक एक करके हम ये मेंदू वड़े इस ऑयल में डालेंगे।
तो पहले हम सिर्फ 4 से 5 मेंदू वड़े को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसमें डालकर फ्राई नहीं करना है। अगर आपने इसमें बहुत ज़्यादा मेंदू वड़े डाल दिए तो ये एक दूसरे को चिपक कर भी ये टूट सकते हैं। तो कोशिश करें 4 से 5 ही आप इसमें मेंदू वड़े डालकर फ्राई करें। तो इसे हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी होने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेंदू वड़े हैं इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये ऊपर से बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और इसका कलर भी आ गया है, गोल्डन कलर, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो जितने अच्छे ये दिखाई दे रहे हैं, ये खाने में भी उतने ही अच्छे बने। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, मुझे यकीन है कि ये आपको पसंद आएंगे। तो इसे मैंने निकाल लिया है। इसी तरह से हम बाकी के डोनट्स भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो आलू और पोहे के मेंदू वड़े हैं ये सारे हमने फ्राई कर लिए हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ज़बरदस्त और टेस्टी नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। तो आप इसे बच्चों के टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं, बच्चे इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर से कितने क्रिस्पी और अंदर से ये कितने सॉफ्ट बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फरहीन को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को दबाकर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।